जो कब्ज होती है वो कोई बीमारी ही नहीं है अगर आप ध्यान दो, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उससे बड़ी बीमारी कोई नहीं है। कब्ज को रोगों की जननी कहा गया है। जननी पता है, यानी माता। जैसे धरती को माता बोला जाता है, कब्ज को भी वैसे ही रोगों की माता बोला गया है, जननी। वहां से हजारों रोग उत्पन्न होते हैं। एक अगर हम कब्ज को ठीक कर लें तो हम हजारों रोगों से बच सकते हैं। देखिए, कब्ज के कारण जो वात रोग होते हैं, वात रोग हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं सिर्फ कब्ज के कारण। और वात रोग क्या होते हैं? 80 प्रकार के। जो ये पेट फुलाए रहते हो ना गैस से, ये वात रोग है। इसी से फिर एसिड भी आ जाता है। और वात रोग से ही आदमी पागल भी हो सकता है। जो पागलपन होता है वो वात रोग के कारण होता है। बाल रूखे हो जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है, कब्ज से और वात रोग दोनों मिलके आपके शरीर में तहलका मचा देते हैं। तो भाई, उस तहलका मचाने से पहले अपने पेट को ही ठीक कर लो। पेट में सड़ांध उठाए रहते हो, सोचो बाहर अगर थोड़ी सी बदबू आ जाए तो अपना नाक बंद करेंगे, थूकने भाग लेंगे। लेकिन अपने अंदर वही सड़ांध हम कितने कितने दिनों तक भरे रखते हैं। सबसे खतरनाक मोमोज, पिज्जा, बर्गर, ये जितने भी फास्ट फूड हैं, आपकी आंतों में ऐसे चिपक जाते हैं, जो भी खाते हो उसका भी पोषण उनको नहीं मिल पाता और वो खाना भी सड़ जाता है, सारा सड़ांध मारता है। घर में बासी रोटी खा लिया करो ना 8-10 दिन रख के, उसको तो हम शाम तक भी नहीं खाते। उस पे जब वो फूई फूई लग जाए वो खा लिया करो। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सब कुछ खाना ही छोड़ दे, लेकिन थोड़ी दूसरी चीजों का ध्यान रख लो। तो अब मैं 2-4 चीजें बताने जा रहा हूं कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आप देखिए, कब्ज होगी तो तनाव भी होगा, तनाव हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि अंदर बदबू उठ रही है, सड़ांध उठ रही है। तो भाई, तनाव तो साधारण सी बात है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अब सबसे पहले आप, जैसे आपने पिज्जा, बर्गर, समोसा कुछ भी खा लिया, खा के आप पानी, मतलब जो आप 40-45 मिनट बाद आप पानी अच्छे से पीजिए। दिन में 8 से 12 गिलास पानी पीजिए, 50% तो वैसे ही कब्ज के चांस कम रह जाएंगे। ठीक है, 10 से 12, लेकिन एक साथ 10 से 12 नहीं पी जाने हैं, वो समय के अनुसार। और पानी हमेशा कोशिश करिए सिप कर करके पीजिए, 1 गिलास 3 बार पीजिए। उसके और भी फायदे हैं, उसमें हम आगे बताएंगे। और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन दबा लें। अब आगे की बात जो हम करते हैं कि हमने पानी पिया, फिर हमें फ्रूट्स भी खाने हैं, ऐसे फ्रूट्स जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो। और फाइबर की कमी से कब्ज होता है, तो फ्रूट्स में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है। आप कोई भी फ्रूट्स खाएं, थोड़ा अच्छे से खाएं, सुबह, शाम, दोपहर। लोग बोलते हैं रात को फ्रूट्स नहीं खाना, ठंडे होते हैं कि हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। भाई, रात को दारू पी लेंगे, रात को समोसा खा लेंगे, रात को बर्गर खा लेंगे, रात को चिकन खा लेंगे, लेकिन फ्रूट्स नहीं खाना। एक मेरे से स्टूडेंट बोलती है, सर केला खाने से वजन बढ़ता है। अरे भाई, 2-3 समोसे खा जाएंगे सब्जी डाल के, चटनी के साथ, उससे वजन नहीं बढ़ता। एक केले में थोड़ा सा कुछ कैल्शियम, विटामिन कुछ मिल जाए, उससे वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इतने इतने लोगों की ना सुने, थोड़ा ध्यान दें इन चीज़ों का, फ्रूट्स खाएं। ठीक है, अब अगले दिन सुबह भी उठ के फ्रूट्स खाएं। अब जिसको बहुत अधिक कॉन्स्टिपेशन है, देखो लोग 7-7 दिन तक भी बाथरूम नहीं जा पाते हैं, तो जिसको बहुत अधिक है उसका तो थोड़ा सा समय लगेगा। अगर साधारण कब्ज है तो मैं गारंटी देता हूं 3 दिन में कब्ज ठीक। आपको क्या क्या करना है? एक तो त्रिफला चूर्ण ले आओ, उसको या तो रात को गर्म पानी के साथ ले लो, सुबह उठ के बड़ा अच्छा पेट साफ होगा। सुबह सुबह उठ के 2-3 गिलास पानी भी पी लेना। दूसरा, आप दूध में, अगर किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, डॉक्टर ने बंद ना बता रखा हो, डॉक्टर तो वैसे भी बंद बताते रहते हैं, घी बंद बता देंगे लेकिन चिकन खाना बंद नहीं बताएंगे, तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी डाल लो। और गरम गरम सा दूध हो, थोड़ा गुनगुना,
उसको गुड़ के साथ खा लो, सुबह देख लो पता चले रात को बिस्तर से उठ के भागना पड़ जाए बाथरूम की ओर, और पेंट मंत गंदा कर देना, थोड़ा सोच समझ के संभल के सोना। अगर ये तीनों चीजों ले तीनों चीजें अगर आपने इस्तेमाल कर दी तो ठीक है। और तनाव कैसे दूर करना है, तनाव आप जितना हंस सकते हैं कम से कम 5-10 मिनट, उससे आपका जो मस्तिष्क के जो हार्मोन्स हैं, हमारे शरीर के जो हार्मोन्स हैं, उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तनाव का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। अब खाने पीने पे हम दोबारा आते हैं। आप एक काम करिए, रात को 10 से 15 किशमिश पानी में भिगो दें, पानी में भिगो दी, उनको धो के भिगोना और उसको सुबह घोल के पानी तो पी जाओ और 10 से 15 किशमिश खा लो, आपका चेहरा तो टमाटर के जैसा लाल हो जाएगा, लीवर एकदम जैसे जन्म लेते हैं ना बच्चा उस समय स्वस्थ होता है, क्योंकि अभी तो आप लोगों ने खा खा के फास्ट फूड ऐसा सड़ा लिया है लीवर भी, अगर चेक करने लग गए ना खुद ही नहीं देख पाओगे, खुद को ही देखने में शर्म आएगी भाई, दूसरा तो क्या देखेगा। और आप सुबह किशमिश खाने से किडनी, लीवर, ब्लड प्यूरिफाई, गैस, एसिडिटी, कब्ज पूरे तरीके से ठीक, तो आज से ही किशमिश शुरू कर दो। अब आती है तीसरी चीज, आपको क्या करना है जिसमें भरपूर फाइबर हो, जैसे दलिया, जितना मोटा अनाज खाओगे ना उतना ही अच्छा है, गांव में बोल दो दलिया खा लो तो बोलते हैं कि ये भैंसों का खाना है, ठीक है भाई, भैंस को देखो कितनी पावरफुल होती है भाई, पावर आएगी मैदा खाने से, पावर आएगी मैदा तो आपके अंदर सड़ांध उठाएगा, दांतों से लेके आंतों तक खराब करता है, पेट में ऐसे बोचा बनाए घूमते हैं उससे गंदा इनको दलिया लगता है। अरे भाई थोड़ा उसमें कुछ सब्जी वब्जी डाल के तड़का वड़का लगा के खा लो, क्या समस्या है, टेस्ट देखिए उसका। अब तीसरी बात आती है, पानी हो गया, त्रिफला हो गया, गुड़ हो गया, घी हो गया, और सुबह खाली पेट किशमिश हो गया और पानी हो गया। अब हमें थोड़ा कुछ अभ्यास भी करना है, जैसे कुछ आसनों का अभ्यास करना है। आसन आप क्या करिएगा, हमने अपनी दूसरी वीडियो बनाई हुई है, कोई भी एक आसनों की वीडियो आप ले लेना, उसमें आपको बहुत सारे आसन मिलेंगे, चाहे एक 15 मिनट से लेके हमारी आसनों की वीडियो एक एक घंटे की है, जो भी आपको सुटेबल हो वो आप आसनों की वीडियो सामने रखो, उसको देखो और करना शुरू कर दो। 2 से 3 दिन में जड़ से खत्म, पुरानी से पुरानी भी कब्ज होगी तो 1 महीने में ठीक, ना ठीक हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा कि आपने ये बोला था, मैं लिख के देता हूं। अब अगली चीज क्या आएगी, आपको कुछ प्राणायाम करने हैं, जैसे कपालभाति प्राणायाम, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है या कम है वो मैटर नहीं करता, आराम आराम से करिए, क्योंकि इससे थोड़ी गर्मी भी बढ़ जाती है, जिसको गर्मी के कारण होता है ना पेट में, तो उसको कपालभाति थोड़ा सा कम करना है, आराम आराम से करिए, जैसे सांस छोड़ा पेट अंदर, और इसका वीडियो आपको दूसरा मिल जाएगा जो मैंने पूरा कपालभाति के बारे में बताया है, तो उसको देख लीजिएगा। और भाई सबसे खतरनाक बीमारी तो ये है, जिसको बताने में भी लोगों को आपस में एक दूसरे को शर्म आती है, सबसे पहले होती है कब्ज से बवासीर, नासूर, फिसर, ये सब कब्ज से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। या तो शर्मा लो इन रोगों को ना बोल के, या उसको ठीक कर लो भाई, पूरा स्किन खराब हो जाए, बाल खराब हो जाए, तनाव आ जाए, बवासीर हो जाए, नासूर फिजर हो जाए, तो उससे अच्छा है पानी तो पिलाया मैंने, तो कौन सा आपको बोला कि सब कुछ खाना छोड़ दो। हाँ, जितना हो सके हफ्ते में 1-2 दिन खाना है फास्ट फूड, जो रुक ही ना सके तो खा लो। अरे हमें तो सालों साल भी हो जाते हैं और रोज भी खा लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। कपालभाति प्राणायाम भी हो गया, अब एक अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर किया करो, क्योंकि मैंने क्या बोला था, तनाव से भी कब्ज होता है, तो आप तनाव को दूर करने के लिए आप जरूर से जरूर भी प्राणायाम का, दोनों प्राणायाम का सहारा लें। अब तीसरी चीज क्या आती है, थोड़ा आप जब रात को खाना खाते हैं, रात को हमेशा खाना खाने के बाद 1000 कदम जरूर चलिए, उससे क्या होगा, जैसे हमने भाई ठूस लिया, कोई ये तो मानता नहीं कि रात को हल्का खाना खाना है, हम तो ठूसते हैं जब तक पेट वेट हिला हिला के भी खाते हैं,
जब तक पेट ऐसा ना हो जाए ना बिल्कुल ठेके की तरह, जैसे ठेका किसको बोलते हैं गांव में जिसमें अनाज डालते हैं, तो जब तक उसकी तरह पूरा पेट ना भर जाए और पान सा डकार ना आ जाए खाने की अंदर से, जब तक खाना छोड़ते ही नहीं। जो बोलते ना भाई दो हिस्से खाना, एक हिस्सा पानी एक हिस्सा वायु का छोड़ दो, कहाँ वायु कहाँ पानी, भाई ये तो ठूसना ही है। तो थोड़ा ठीक ठाक रात को खा लें, थोड़ा हल्का खा लोगे तो ठीक रहेगा। और उसके साथ आप क्या करिए, 1000 कदम चलिए। कारण क्या होता है, आप लोग सुबह ऊर्जा में क्यों नहीं उठ पाते हो, एक तो कब्ज है भाई, पेट सड़ाया हुआ है। दूसरा, जो आप भारी खाना खा लेते हो, आप सीधा जाके बिस्तर पे लेट जाते हो, तो उससे आपके ऑर्गन जो है सारी ऊर्जा उस खाने को पचाने पे खत्म हो जाती है। जब ऊर्जा ही उधर सारी लग गई तो ऊर्जा आपके शरीर के अंदर कहाँ से आएगी, उनका काम ही है हमारे शरीर को ऊर्जा देना। भाई भगवान ने रात इसलिए बनाई है कि सो जाए भाई, हमारे शरीर में दोबारा ऊर्जा भर जाए। तो इसलिए आप रात को चलें, हल्का खाना खाएं, जिससे आपको जीवन भर कब्ज जैसी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। अगर ना होगी तो कभी जिंदगी में कब्ज की नाम की कोई बीमारी आएगी नहीं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इन चीज़ों को आप फॉलो करें और सिर्फ 3 दिन, जिनको कुछ समय से, 3 दिन में आपकी कब्ज दूर, गैस बनना बंद, आपको अपना शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा, आपका जो मस्तिष्क है वो ऊर्जावान हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी। आज के समय 90% लोग कब्ज के शिकार हैं किसी न किसी रूप से, छोटे छोटे बच्चों को कब्ज हो रही है। अपना तो भविष्य खराब कर रहे हो, आप लोग अपने बच्चों का भी भविष्य खराब कर रहे हो। तो आज के लिए इतनी जानकारी है, और आप मेरी वीडियो देख के आप उनका योग अभ्यास करना शुरू कर दें। और अब दोबारा एक बार और बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हमारा एक ही लक्ष्य है, इस समाज को रोग मुक्त करना और हर घर तक ये छोटे छोटे जो हमारे पूर्वजों ने हमें नुस्खे दिए हैं, इस परंपरा को आगे बढ़ाना। तो आप लोग इसमें हमारा साथ दें। धन्यवाद।